हमेशा मुझे क्वेश्चन आते कि थ्रेड अब ख़त्म हो गया है तो कैसे अटैच करें, तो इसीलिए यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अगर ये थ्रेड छोटा सा बच जाता है तो आप इसे पीछे नॉट लगा के हाइड कर सकते हैं, या इसी के ऊपर वर्क कर सकते हैं इसे स्ट्रेट रखते हुए। तो मैं यहाँ पर थ्रेड अटैच कर रही हूँ और अपनी डिज़ाइन स्टार्ट कर रही हूँ। ये डिज़ाइन हम लेफ़्ट से राइट में बनाएंगे। इसे बनाने के लिए पहले थ्रेड अटैच करें फैब्रिक के एज पे। अब लेफ़्ट से राइट जाना है, वन फिंगर का इस तरह से मैं डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहाँ पर एक नॉट बनाऊंगी। आप इसे पीछे भी हाइड कर सकते हैं अगर यहाँ पर विजिबल होगी तो। वो डिज़ाइन जिसमें यहाँ से गैप नहीं होता है उसमें उसी के ऊपर बनाया जाता है और इसमें पीछे नॉट लगा देते हैं। वन फिंगर का गैप रखते हुए सारे डिज़ाइन इक्वल शेप के शेल बनेंगे और अच्छी दिखाई देगी। तो ये मैंने लेफ़्ट से राइट में एक इस तरह से लूप बनाया। फिर मैं इसके ऊपर डबल करूँगी लूप को। और फिर यहाँ पर आके 3 टाइम्स हो जाएगा ये लूप, ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। सारे रूप इक्वल हो गए। अब ये लूप के ऊपर मैं बटन होल स्टिचेस बनाऊंगी, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। लूप के अकॉर्डिंगली बनाना है, आपके जितनी साइज है उसके हिसाब से कि कितने बटन होल स्टिचेस बनेंगे। मैंने 14 बटन होल स्टिचेस बनाए हैं मेरी फिंगर के साइज़ के हिसाब से। अब इसे अटैच कर देंगे यहाँ पर दो लूप के बीच में, इस तरह से जो दो आर्च इस तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। ये मैंने अटैच कर दिया। अब सेकेंड रो बनाएंगे, तो ये जो बटन होल स्टिचेस हमने पहले बनाया है तो इसमें लेफ़्ट टू राइट हम फिर से सेकेंड रो बनाएंगे बटन होल स्टिचेस की। पहले वाले स्टिचेस में निडल इंसर्ट करते हुए बनाना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से अब मैं यहाँ पहुँचूँगी। अब इसे अटैच कर देंगे। इसके बाद जब नेक्स्ट स्टिच बनाएंगे, नेक्स्ट इस तरह से लूप बनाएंगे तो हमें एक स्टिच बनानी है। तो अब सेम रिपीट करेंगे और रो कंप्लीट करेंगे।